हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लीनियर सर्च यानी कि सिक्वेंशियल सर्च। अब मैं इस सीरीज में, एरे की सीरीज में, लीनियर सर्च को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि सिक्वेंशियल सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऐसे डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसकी जो मेमोरी में एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में हो। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और डिवाइसेस से भी करवाएं एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च। बहुत सिंपल सा मेथड है लीनियर सर्च का, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में ही चलना है। जिस फॉर्म में हमारे एलिमेंट एरे के अंदर पड़े हैं उसी फॉर्म में हमने सर्चिंग करते जानी है। इसमें क्या करना है, हमारे पास जो सर्चिंग एलिमेंट है यानी कि उसको मैं कह रही हूँ कि वो आइटम है एक, ठीक है। सर्चिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का उससे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके अगर तो वो एलिमेंट मैच कर रहा है एरे के फर्स्ट एलिमेंट से तो हम वहीं पे ही सर्चिंग का क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट मिल गया है। नहीं तो हम सेकंड एलिमेंट के पास जाएंगे एरे के और उससे हमारे एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट से करेंगे थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेंगे हम, लास्ट एलिमेंट जो एरे का एंड है, लास्ट एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे। अगर फिर भी हमें एलिमेंट नहीं मिलता तो मतलब कि हमें इसमें कोई भी एलिमेंट मिला ही नहीं है और सर्चिंग क्या हो जाएगी, अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम को समझेंगे कि कैसे कैसे एल्गोरिथम वर्क करेगा, और लास्ट में हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका बेस्ट केस क्या है, इसका वर्स्ट केस क्या रहेगा और इसका एवरेज केस क्या रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग से। देखो यहां पे जो मेरे पास एरे है उसमें मैंने 6 एलिमेंट लिए हैं, और सपोज करो मुझे यहां पे सर्च करना है 22 को। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमने एक सिक्वेंशियल फॉर्म में चलना है, तो 22 हमारा एक सर्चिंग एलिमेंट है जिसको मैंने यहां पे दे दिया आइटम, ठीक है। अब इसको सर्च करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 29 और 22 मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 75 से 22 को कंपेयर करेंगे, क्या मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 69, और इसको कंपेयर किया तो क्या ये मैच कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, एक का इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट यहाँ पे क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो है सिक्वेंशियल फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है। तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, 22 और 22 को हमने कंपेयर किया, क्या ये मैच कर रहे हैं, यस ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो फाइनली हमारी आइटम क्या है यहाँ पे, सर्च हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा लूप क्या होगा, यहाँ पे हमारा मिशन क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो हमारा जो आइटम है जो हमने सर्च करनी है वो हमने ले ली 95, तो 22 के साथ मैच कर रहे हैं, ये मैच नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे गए तो यहाँ पे 2 है, 2 से कंपैरिजन किया, अभी भी हमारे आइटम मैच नहीं हो रही। नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएंगे, यहाँ पे क्या है, 95, तो इससे मैच हो जाता है, हमारा फिर से मिशन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 95 की जगह 98 ले लेती हूँ तो ये पूरी की पूरी लिस्ट सर्च कर लेता है, फिर भी इसको आइटम नहीं मिलती, तो हमारी ये यहाँ पे सर्चिंग क्या हो जाएगी, अनसक्सेसफुल हो जाएगी, राइट। ये था इसका सिंपल सा आइडिया, सिंपल सा मेथड लीनियर सर्च का। अब हम इसको ना इसका एल्गोरिथम समझते हैं कि इसकी वर्किंग, कोडिंग करने से पहले हमें एल्गोरिथम को लिखना पड़ता है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब एक सीक्वेंस होती है एल्गोरिथम की, इसलिए हमने हर एक स्टेप को एक सीक्वेंस में लिखा है कि ये कैसे कैसे वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो मैंने ए लिया है, यहाँ पे ए क्या है, एरे जिस लिस्ट में से हमने आइटम को फाइंड करना है, और यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, यहाँ पे n है, उसके बाद आइटम जो हमने सर्च करनी है, राइट। जो हमने यहाँ पे देखो सबसे पहले 22 ली थी, 95 ली थी, वो हमारी क्या है, एक तरह से आइटम होगी। तो यहाँ पे हमने लिस्ट में 3 चीजें दी है, एक है हमारा एरे,
एरे भी हमें देना पड़ेगा क्योंकि एरे से ही हमने सर्च करना है। टोटल नंबर ऑफ उसके अंदर एलिमेंट कैसे रहेंगे क्योंकि एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं। उसके बाद जो आइटम है हमारे जो हमने सर्च करनी है, एक हमने लोकल वेरिएबल लिया है यहाँ पे LOC यानी कि लोकेशन, वो किसकी लोकेशन है, आइटम की जो हमने सर्च करनी है। जिस लोकेशन पे हमें मिलेगी उसका इंडेक्स हमें क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आई लिया है, आई क्या है यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे हर एक वैल्यू एक 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 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने आई क्या ले लिया, इंडेक्स को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है, इंडेक्स है, तो आई पहले 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अप टू कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, जहाँ जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लोकेशन जो हमारा लोकल वेरिएबल है उसको हमने क्या दे दिया, -1 दे दिया। -1 का यहाँ पे मतलब है कि हमारा जो सर्चिंग का मिशन है वो अनसक्सेसफुल है। अगर हमें इसमें आइटम फाइंड नहीं होती तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने आई को 1 से स्टार्ट कर दिया, आप 0 से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये लूप जो है वो एन तक चलेगा, और अगर ये हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हम इस केस में हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इक्वल टू का साइन लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने लूप इसलिए लगाया है क्योंकि हमें यहाँ पे रिपीट करना है, कैसे, पहले हम इस पे गए इस आइटम पे, फिर हमने नेक्स्ट को करना है एक का इंक्रीमेंट करके, फिर हमने नेक्स्ट पे जंप करना है एक का इंक्रीमेंट करके, ऐसे कब तक जाना है, लास्ट तक जाना है, एरे के लास्ट तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, एक तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू तक पहुँचना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है। तो हमने एक यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो हमारा आई है वो 1 से स्टार्ट हो और कब तक चले, जब तक हमारा एरे एंड नहीं हो जाता। और सेकंड कंडीशन हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करके किया है, वो है कि जो हमारा एआई है, जो हमने यहाँ पे जिस एलिमेंट के अंदर हम पहुँचे हैं इस टाइम, वो कहीं हमारे आइटम के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। ये जब तक चलेगा जब तक हमारे जो सर्चिंग हो रही है वो आइटम के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा, एंड तक, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है लॉजिकल एंड, ये आपको पता ही होगा कि पहले ये इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर तो ये ट्रू हो जाती है, अगर ये ट्रू हो जाती है तभी ये नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करेगा, आउट ऑफ द लूप चला जाएगा, ठीक है। अब देखो एल्गोरिथम को थोड़ा इसी के साथ, इसी एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमने सर्च करने 69, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा आई क्या है, 1 है, यहाँ पे कंडीशन हमने चेक की, यहाँ आई क्या है हमारे पास, 1, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू एन के, एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6, कंडीशन क्या हो जाती है यहाँ पे, ट्रू हो जाती है। तो उसके बाद ये इस कंडीशन को चेक करेगा, एआई हमारा इस टाइम क्या है, 129, तो 29 नॉट इक्वल टू, हमने सर्च क्या करना है, 69 सर्च करना है। अभी भी ये क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी, दोनों की दोनों ट्रू होगी, तो हम इसमें एंटर कर जाएंगे लूप के अंदर, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या, इंक्रीमेंट किया है हमने इंडेक्स को, आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1, अब हमारे पास क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2, ये फिर से कंपेयर करेगा हमारा 6 से, ठीक है। उसके बाद देखो ये ट्रू हो गया, फिर हम इसको चेक करेंगे, हमारे पास एआई की वैल्यू इस टाइम क्या है, 75, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 नॉट इक्वल टू 69, तो दोनों ट्रू है, तो ये लूप के अंदर फिर से एंटर कर जाएगा। आई की वैल्यू हमारी क्या थी, 2, अब क्या हो जाएगी, 3, फिर से चेक करेगा 6 के साथ, कंडीशन ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, एआई की वैल्यू इस टाइम हमारे पास क्या है, 69 नॉट इक्वल टू 69, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, 69 इक्वल टू 69 ही है, तो कंडीशन से बाहर चले जाएगा, कहां पे आ जाएगा, स्टेप 4 पे। अब इसको यहाँ पे एक कंडीशन मिल गई, कंडीशन के साथ चेक करेगा एआई की जो वैल्यू है इस टाइम क्या है, एआई की 69 हमारी जो आइटम है यानी कि 69 से मैच कर रही है, यस कर रही है, तो क्या रिटर्न कर दे, लोकेशन, लोकेशन में क्या है यहाँ पे, आई लिख लेना, ठीक है।
I की वैल्यू क्या है इस टाइम पे? 3, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? 3 को रिटर्न कर देगा, ठीक है? और लास्ट तक अगर हम I की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और लास्ट तक हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो ये क्या करेगा? सीधा किस पे जंप कर जाएगा? आउट हो जाएगा लूप से, और फिर चेक करेगा क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो किसको रिटर्न कर देगा? हमारे एलओसी को। यानी कि एलओसी में पहले क्या पड़ा था? -1, यानी कि हमें आइटम मिली ही नहीं, अनसक्सेसफुल है। तो अनसक्सेसफुल का मतलब क्या है? ये -1 ही चला जाएगा, ठीक है? राइट, ये था हमारा लीनियर सर्च का एल्गोरिथम। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अब यहाँ पे क्या होते हैं, 3 केस बनते हैं। पहला क्या है? बेस्ट केस। सेकंड क्या है हमारे पास? वर्स्ट केस। और थर्ड क्या है हमारे पास? एवरेज केस। अब यहाँ पे लीनियर सर्च के अंदर बेस्ट केस क्या होगा? हमारे को, हमें क्या होता है, एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाता है। सपोज करो मुझे 22 सर्च करना है, वो फर्स्ट पोजीशन पे ही पड़ा है। जैसे कि हम एक बुक में जिसका इंडेक्स मिसप्लेस हो गया है, टॉपिक फाइंड करना है, तो वो पहले पेज के अंदर ही मिल जाता है, तो वो हमारा क्या रहेगा? एक बेस्ट केस रहेगा, ठीक है? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कॉन्स्टेंट टाइम, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है? अब आता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या है? उसका मैक्सिमम टाइम कितना था? अब दो केसेस में हो सकता है, या तो आइटम जो है हमारी लास्ट में पड़ी है, या फिर हमारा जो सर्चिंग है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। जैसे कि हमारी जो बुक है, टॉपिक फाइंड करना है, लास्ट तक पहुंच गए हम, एंड तक पहुंच गए, मतलब 1 से स्टार्ट किया और एंड तक पहुंच गए, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी? ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है? और अनसक्सेसफुल के केस में भी हम लास्ट तक तो गए ना ढूंढते ढूंढते, और हमें मिला नहीं, वो अलग बात है, ठीक है? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है? अब हमारे पास आता है एवरेज केस। एवरेज केस में हम क्या करते हैं? एक मिड वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? 1 + n/2। अगर हमारी जो n वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक पहुंच गई, तो इन्फिनिटी बाय 2 इन्फिनिटी होएगा, क्योंकि हम कम वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर भी क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ n एवरेज केस में रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर सर्च। तो ये जो इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन इसके अंदर हुए, ये सब आ जाता है क्वेश्चन लीनियर सर्च के ऊपर। और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके अंदर तो डायरेक्ट एल्गोरिथम लिखना आ जाता है, और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी आ जाती है। थैंक यू सो मच।